हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया और हम बात कर रहे हैं इस वीक की, यानी कि 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक आपके लिए क्या आ रहा है 2017 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत थैंक्स करना चाहती हूं बिल्कुल दिल से। एक तो यूनिवर्स को बहुत ग्रैटिट्यूड से कि उन्होंने मुझे आप लोगों से मिलवाया, और साथ ही साथ मैं थैंक्स करना चाहती हूं कि मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूं, और आपकी इतने अच्छे रिस्पांस के लिए आई एम वेरी 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 थैंकफुल। सभी को मैं बहुत तहे दिल से आपको थैंक्स करती हूं। साथ ही आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज फ्रेंड्स, जैसे आप मुझे इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, सब्सक्राइब का रेड बटन दबाने में भी पीछे ना जाइए। सब्सक्राइब का रेड बटन दबाइए, दबाते ही आपका और मेरा कनेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा और आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। और आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि हम एरिस से स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग, पर वो इंटरेस्टिंग टॉपिक ऐसा है कि जो सभी के लिए यूजफुल है। देखिए फ्रेंड्स, हम सब अपने जो जरूरी आइटम्स हैं, जो जरूरी चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, हम अपनी अलमीराज में रखते हैं। स्पेशली पैसे या कोई भी आपने ज्वेलरी रखनी है तो हम अलमीराज में रखते हैं, या जिसे हम तिजोरी कहते हैं हम उसमें रखते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के एंड में कि आपको तिजोरी को कैसे रखना है, कैसे वो जगह होनी चाहिए और किस डायरेक्शन में रखें, ताकि आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाए और जो कमी है वो कभी भी ना आए पैसों की, और आपको बहुत ही अच्छा उससे रिस्पांस मिले। हम एरीज से स्टार्ट करते हैं। एज प्रोमिस्ड, एरीज के लिए 22 नवंबर 2017 कन्फ्यूजन को लेकर आएगा, किसी बात को लेकर बहुत कन्फ्यूजन बनी रहेगी और ऐसा लगेगा कि जैसे मैं उल्टा लटक गया या मैं उल्टी लटक गई, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हो जिसकी वजह से भी कन्फ्यूजन हो। और ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको ऑप्शंस कम लग रहे हो जिसकी वजह से आपके मन में प्रॉब्लम्स आए। 23 को आपको कुछ पेशेंस रखनी पड़ेगी, अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको सभी इलाज मिल जाएंगे। 24 को आपके लिए एसेस ऑफ पेंटिकल्स है, कि जो बहुत ही बढ़िया कार्ड है। एसेस हमेशा स्टार्ट होते हैं, बिगनिंग होता है, लेकिन पेंटिकल्स के एसेस जो हैं वो बहुत पैसे को बढ़ावा देते हैं, या पैसे के आने का जो है रास्ता निकालते हैं, या कोई ऐसा काम जिसमें हमें पैसे मिल रहे हों, या कोई भी हेरिडिटल मनी मिल रही हो, जो कि 24 के लिए है। 25 को आपको ऐसा लगेगा कि समय आपके फेवर में इतना नहीं चल रहा, तो उस दिन थोड़ा दान पुण्य करा जा सकता है। 26 को ये दिन बहुत ही अच्छा है आपके लिए। एम्प्रेस है, एम्प्रेस आपकी लाइफ में फर्टिलिटी लेकर आता है। फर्टिलिटी यानी कि ऐसी चीज, या तो कैरियर में, या आप एक्चुअली अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आप कंसीव कर पाएंगे, या फिर किसी नए आइडिया की कंसेप्शन होगी। आपके घर में बहुत ही अच्छी न्यूज आने वाली है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके घर में, आपके बच्चों के फैमिली में अगर कोई बेबी होने वाला है तो कंसेप्शन मुझे श्योरिटी से दिख रही है। 26 को आपके मन की इच्छाएं पूरी होंगी। 27 को कोई हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे, लेकिन लाइफ एंड डेथ नहीं है। 28 को पेजेस ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेजेस ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ बचपना है, जल्दबाजी मत कीजिए। आपको अपनी सेहत का और अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, और अब पहले से ज्यादा रखना है। अगर आपने किसी नए काम में इन्वेस्ट किया है तो भी आपको अपने सेहत के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, और बात जो है वो बाल की खाल तक आपको पहुंचना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात जो अगर आप अवॉइड करेंगे तो वो बाद में बहुत ज्यादा इश्यू लेकर आ सकती है। तो चीजों को जो है, और स्पेशली पेपर्स को आपको बहुत ध्यान से रखना है और बहुत संभाल कर उसका यूटिलाइजेशन करना है। तो ये तो था एरीज वालों के लिए ये वीक, 22 से लेकर 28 नवंबर तक का वीक 2017 कैसा रहेगा। मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी फ्रेंड्स कि आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ मैं अब आपको वो बताने वाली हूँ। देखिए, हम सब अपने घरों में अलमीराज या ज्वेलरी रखने के लिए कोई ना कोई तिजोरी रखते हैं। उन तिजोरियों में जो है आपको, क्योंकि हम बहुत इम्पोर्टेंट या मूल्यवान कह सकते हो कि जो चीजें हैं हम वो रखते हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि क्योंकि यहां पर हम इतनी इम्पोर्टेंट चीजें रख रहे हैं तो वहां पर लक्ष्मी जी का वास हो गया, तो आपने उस एरिया को, अलमीरा को, उसके उस कैबिन को जो है
वो आपने बहुत क्लीन रखना है, उसमें रेड कलर का अगर आप कपड़ा बिछा कर रखे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप गोल्डन बिछाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उस अलमीरा के बाहर की साइड या अंदर की साइड आप छोटी सी ऐसे लक्ष्मी माँ की फोटो जिसमें वो बैठी हुई है और दोनों साइड पर जो है हाथी जिनकी सूंड ऊपर की तरफ है वो जो है उनके ऊपर जल दे रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से महालक्ष्मी जी स्वयं आकर आपकी अलमीरा में और तिजोरी में निवास करेंगी और साथ ही साथ आप उस जगह को साफ क्लीन और सुथरा रखेंगे तो आपके लिए इतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, यानी कि आपके जो पैसे हैं उनमें बरकत आएगी और कमी बिल्कुल छुमंतर हो जाएगी। और भी टिप्स मैं देती रहूंगी फ्रेंड्स, जितने भी आज वीडियोज में डालूंगी जिसमें की सभी राशियों के लिए मैं इस वीक के बारे में बता रही हूँ, उन सभी में लक्ष्मी जी से रिलेटेड मैं आपको छोटे छोटे टिप्स देती रहूंगी। आप कनेक्टेड रहिए, आप सभी वीडियोस देखिए पिछले भी और अब भी, उन सब में ऐसे टिप्स हैं जो कोई भी राशि वाले कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाइएगा और जैसे मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया है आगे भी मुझसे बहुत अच्छा कनेक्शन बना कर रखिए। थैंक यू।